सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। ड्रग्स केस में सियासी घमासान जारी, अठावले ने ड्रग्स मामले में दी प्रतिक्रिया, कहा कानून बदलने की जरूरत है। आर्यन खान केस में गवाह केपी गोसावी गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार, महाराष्ट्र के पुणे से हुई गिरफ्तारी। हरियाणा में ट्रक ने महिला किसानों को रौंदा, तीन की मौत, तीन अन्य घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आजमगढ़ से आ रही है। आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ दौरा है। आपको बता दें आजमगढ़ में कार्यक्रम रखा गया है अखिलेश यादव का, और ऐसे में ब्रह्मा हॉस्पिटल में कैथ लैब का अखिलेश यादव उद्घाटन करेंगे। 130 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी बांटेंगे, साथ ही दुर्गा जी इंटर कॉलेज में छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा है आज, और ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, रमा हॉस्पिटल में कैथ लैब का उद्घाटन भी करेंगे, और साथ ही आपको बता दें 130 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी बांटेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आजमगढ़ अखिलेश यादव आज पहुंच रहे हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं? पारुल देखिए, जो समय दिया गया है वो तकरीबन सुबह 9 बजे बताया गया है कि रमाबाई हॉस्पिटल जो है कैथ लैब का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 बजे के करीब में लैपटॉप वितरण करेंगे, और इसके अलावा जो 130 मेधावी छात्र हैं उन लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा, और दुर्गा जी इंटर कॉलेज में सहदा में जो बांटे जाएंगे वो लैपटॉप, यानी कि ये कहा जा सकता है कि काफी समय के बाद अखिलेश यादव आज आजमगढ़ पहुंचेंगे, और इसके बाद लगातार इनका कई कार्यक्रम फिक्स कर दिए गए थे पहले से भी, और कुछ ऐसे भी अभी सूचनाएं मिल रही है कि इनके जो आजमगढ़ के जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ भी इनकी एक बैठक होगी, और उस बैठक में उन तमाम रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि सपा में तकरीबन अभी पहले चरण में 30 विधायकों समेत लगभग 100 सीटों पर घोषित नाम की उम्मीदवारी भी हो सकती है, और ऐसे में गठबंधन की भी जो सूचना थी उस पर भी मोहर लग सकती थी, लेकिन अभी जो आजमगढ़ ये पहुंच रहे हैं उनमें ये कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ के जो के सपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ एक छोटी सी बैठक बताई जा रही है। बिल्कुल रूबी, और देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर 130 मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी देंगे। लगातार देखिए हर पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है, चुनाव बेहद नजदीक है। उधर कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम छात्राओं को लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्कूटी देंगे। उधर योगी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले महीने यूपी में छात्रों को फ्री में लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है कि चुनाव में, क्योंकि अब 2 महीने बाद करीब आचार संहिता भी लग जाएगी, इसीलिए जो पार्टी जो पैतरा अपना सकती है वो अपना रही है। हाँ बिल्कुल पारुल, ठीक है आपने, क्योंकि देखिए युवा वर्ग को अब ज्यादा आप तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों लोगों पे खासतौर से इसी बात पे देखा जा रहा है कि युवा वर्ग पे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। हालांकि पहले भी अखिलेश यादव के कई बार बयान आ चुका है कि वो खुद युवा है और ऐसे में युवाओं को बढ़ावा देंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसी बात को कहा है कि हर एक महिला को आगे आना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने महिला सीटों को भी उन्होंने अलग से एक आरक्षण दिलवाया। उसके साथ ही साथ अगर हम पक्ष की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ने भी अब यही पैतरा आजमाया है, और चाहे लैपटॉप हो या ये कह सकते हैं कि कई ऐसे योजनाएं दी हैं जिसपे युवा वर्ग को खास ध्यान रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि अब जो चुनावी रणनीति है उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ावा देखने को मिल रहा है वो युवा वर्ग को ही शामिल करने पे ही मिल रहा है, क्योंकि अब लगातार चाहे रैली हो या जनसभा हो उनमें खासतौर से देखने को मिलता है जो युवा वर्ग है वो बढ़ चढ़ का हिस्सा देखने को मिल रहा है। चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंच चुके हैं, आपको बता दें रमा हॉस्पिटल में कैथ लैब का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही 130 मेधावी छात्र छात्राओं को वो लैपटॉप भी बांटेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो यूपी से आ रही है। आपको बता दें यूपी में देर रात 10 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जी हाँ, 6 जिलाधिकारी भी रात में बदल दिए गए हैं और ऐसे में आईएएस डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को हमीरपुर का नया डीएम बना दिया गया है और आईएएस अरुण कुमार को मऊ का नया डीएम नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आईएएस शेषमणि पांडे अब अमेठी के नए डीएम के तौर पर काम करेंगे और आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह लखीमपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। तो बड़ा फेरबदल लगातार यूपी सरकार कर रही है और ऐसे में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले एक बार फिर से कर दिए गए हैं। देर रात के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें देर रात 10 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है और ऐसे में 6 जिलाधिकारी भी रातों रात बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में बड़ा फेरबदल लगातार किया जा रहा है। आईएएस डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को हमीरपुर का नया डीएम बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। राज्य में सचिवालय में शाम 5 बजे से होने वाली बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें राज्य कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। पिछली बैठक में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकृत किया था। गुरुवार को बैठक में कैबिनेट इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है और इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को पदोन्नति में ढील दिए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। तो आज उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई प्रस्ताव पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को रायबरेली से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया के विपरीत वो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किए गए सभी विकास कार्यों का हिसाब दे सकती हैं। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी में पड़ने वाले रायबरेली जिले के सलोन क्षेत्र स्थित ममुनी गाँव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जिले में 2 सांसद हैं। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भाजपा सांसद, हमारी दीदी आपके बीच आकर यहाँ किए गए सभी विकास कार्यों का हिसाब दे सकती हैं। स्मृति ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरों से पूछिए कि क्या उनकी सांसद ये हिसाब दे सकती है कि कहां पर खरंजा बनाया गया और कहां पर नालियां साफ की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपको हिसाब इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि आपने एक ऐसी जनप्रतिनिधि को चुना है जो आपके बीच जाकर विकास कार्यों का विवरण दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली सीट से आपको बता दें सांसद हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से सोनिया के बेटे राहुल गांधी को पराजित किया था। देश में आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने एक अहम बयान दिया है। रामदास अठावले ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ड्रग्स पर कानून को बदलने की जरूरत है और इस मामले में पकड़े गए युवाओं को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेजना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को बदलने की हमें जरूरत है। हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन के आरोपी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। तो ऐसे में ड्रग्स केस को लेकर अभी भी सियासी घमासान लगातार जारी है। ड्रग्स पर कानून बदलने की जरूरत है यह अठावले की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के सेवन करने वाले को जेल नहीं बल्कि सुधार गृह भेजना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोस्वामी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केपी गोस्वामी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। केपी गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। गोस्वामी पर पुणे में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। ऐसे में गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस ने कहा कि गोस्वामी ने सरेंडर नहीं किया, हमने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। किरण गोस्वामी पर
युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर लाखों की ठगी करने के मामले में केस दर्ज है और इसके बाद अब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी और अन्य आरोप में दर्ज मामले की संख्या 4 हो गई है। तो ऐसे में आरन खान केस में जो मुख्य गवाह के तौर पर सामने आए थे केपी गोस्वामी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से फरार चल रहा था, तस्वीरें देख सकते हैं, यही केपी गोस्वामी है जिसे अब पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें पुणे में ये गिरफ्तारी हुई है, कई दिनों से इसकी तलाश की जा रही थी क्योंकि कई दिनों से ये फरार चल रहा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसाई, इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया है। यह घटना बारामूला के चेरतारी इलाके में हुई है। आपको बता दें मारे गए आतंकी की पहचान जावेद वानी के तौर पर हुई है, उसके पास एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाकिस्तानी ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। कश्मीर पुलिस के IG ने कहा कि मारे गए आतंकियों की पहचान कुलगांव के जावेद वानी के रूप में हुई है। उसने 20 अक्टूबर को वन पोहो में बिहार के दो मजदूरों की हत्या में आतंकी गुलजार की मदद की थी। पुलिस के मुताबिक जावेद बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के अपने मिशन पर था। तो ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है, लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है और आज सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में फायरिंग के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कई आम नागरिकों को जब निशाना बनाकर मारा गया था तो उसकी मदद करने में भी ये आतंकी शामिल था। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, धरपकड़ की जा रही है, अब सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत पर और भारत की हार पर खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 जिलों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था जिसमें भारत को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर और नारे लगाकर पाक की जीत पर खुशियां मनाई थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठकर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थीं कि तभी तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और ये भीषण हादसा हो गया। खबरों की माने तो इस हादसे में मरने वाली 3 महिलाएं बुजुर्ग थीं। 3 में से 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 1 महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली हैं। वहीं हादसे में 3 अन्य महिलाओं की हालत बेहद गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। भी आह बुढ़िया बैठिया ने, मैं देखा भी क्यों बैठिया ने, हाथ मार दिया ने, हाथ तो नहीं भी कोई रुक हुआ, कोई ना कोई रुक नहीं रहा थी। मैं उपरों भज गया, साइकिल चक के थले आया, हेठा आके देखा तो 2 माइया मरिया पीया, 2 फटड़ हुई पी, तो एक साइड पर बैठी थी बेचारी, वो भी फटड़ थी। उन्होंने मैं पूछा कि अगर साढ़े को खड़ता, मैं उपर गया, इस जाना वापस स्टेशन, मैं सजे वापस जा रही थी, 6-7 बुढ़िया सी, ट्रक वाले ने फुटपाथ से बैठी थी, उन्होंने लिया उपर ट्रक चाड़ दिया, 3-2 तो यहाँ मर गई, एक हस्पताल में जाके मर गई, तो 2 ठीक ने। मेरे जने साडिया खीवा दयालूवाल सिंह तो माइया, उन्होंने अब वापस पंजाब जाना, तो जने वो फुटपाथ से बैठिया थी, उत्थे जने सवेरे एक टिप्पर आया, शायद वो नींद आ गई, अख लग गई, जने उखली च बजन कारण साडिया माइया जी 7 खड़ियां, तो उन्होंने उपर टिप्पर जा चढ़िया, उन्होंने 3 माइया शहीद हो गई, अमरजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह, गुरमेल कौर पत्नी भोला सिंह, सिंदर कौर पत्नी भाण सिंह।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को डीजल के दाम में 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े थे। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम अब आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि डीजल का दाम भी 57 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है तो डीजल की कीमत भी 105 रुपए प्रति लीटर के ऊपर मिल रही है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि डीजल का दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। यूपी के पीलीभीत जनपद में अपनी कई मांगों को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने नगर पालिका के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष की मांग है कि नगर पालिका परिषद की ओर से हर घर से 50 रुपए प्रति लीटर माह की जा रही वसूली बंद की जाए। इसके साथ ही खस्ता हाल पड़ी सड़कों को फौरन बनवाया जाए और इसके साथ ही आबादी में बनाए गए कूड़े घर को भी वहां से हटाया जाए। यहाँ धरने पे हम बैठे हैं नगर पालिका के खिलाफ, नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ। वजह ये है, यहाँ एकता सरोवर कितना बढ़िया बनाया है डीएम साहब ने, लेकिन उसके पड़ोस में जो कूड़ा घर है इसमें पड्डे वगैरह सब डाले जाते हैं और गोबर पड़ा हुआ है। लोग सवेरे को टहलने आते हैं, मतलब टहलने आते तो यहाँ बड़ा बढ़िया सेंट की महक आती होती है मरे हुए पड्डे वगैरह की। दूसरा हमारा है रमा गार्डन से लेके एकता सरोवर तक की रोड 800 मीटर की रोड है। आप अपनी बाइक से 800 मीटर की रोड 8 मिनट में पार कर पाएंगे। बीच में पुलिया टूटी हुई है। अमेठी के मुशीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक श्रीपुर बद्रे सराय गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी से विवाद के चलते उसकी धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच में एक नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। को बता दें कि आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। बहराइच का यह पूरा मामला है, जहां पर युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की शिकायत तो दर्ज कर ही ली है और छानबीन में भी जुट गई है। गई थी घर के बगल में रसीद का बाग है, वहाँ पे मेरी माँ और ये मेरी बहन गई थी। तो मतलब मैं लेटरिन करके मेरी माँ रोड पे आ गई, तो मतलब इतने में गांव का लड़का एक मिठाई का ठेला लगाता है, मुबारक नाम है उनका, लड़का जबरदस्ती किया और बगिया में घसीट कर खींच के ले गया। मतलब मारा भी पीटा ये सरगुमा, चोट भी लगी हुई है उसके, और मैंने पकड़ा भी तो कि वो चिट्ठिका मार कर भाग गया और ये शर्ट भी हमारी फट गई। बलात्कार किसने किया? सरवान। मुकदमा आपका लिखा गया? कुछ नहीं लिखा गया। क्या हुआ आप लोग थाने पाए थे कोतवाली? यहाँ पर कह रहे कि दरख्वास्त लिखा के आओ तो कोई काम होगा। किसने कहा था? दो सिपाही थे, उनको कोई पहचाना है? उनसे बताया नहीं कि आपने मुकदमा तहरीर लिखने के लिए यहाँ जो है पीड़ित तमाम जो है पुलिस वाले हैं? कोई नहीं सुनता है। क्या बताए लोग? कहेंगे दरख्वास्त लिखा के आओ तो कुछ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार भी उसके तमाम दावे हैं और कानून व्यवस्था भी काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद भी जो दिस नरपिशाच हैं, जो दरिंदगी हैं, लगातार वो अपनी हैवानियत करते ही रहते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी देखने को मिला है, जहाँ पर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक दरिंदे ने काफ़ी जघन तरीके से बलात्कार किया। उस बलात्कार के बाद उस बच्ची को काफ़ी जख्म आए हुए हैं और 24 घंटे से बीतने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जब पीड़ित परिवार थाना कोतवाली देहात जाता है तो वहां से उसको उन परिवार को भगा दिया जाता है। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आता है तो आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद
पुलिस हरकत में आती है और लगातार दबिश का दौर जारी है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तार नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से निर्भया कांड पूरे देश को हिला दिया था, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये दलित बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये सवालिया प्रश्न उठाती है कि आजकल क्या मानसिकता लोगों की और नैतिकता भी खत्म हो गई है। ये छोटी सी मासूम बच्ची के साथ भी दरंगी करने के पीछे उनके हटते तक नहीं है, क्या है उनकी ऐसी मानसिकता। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन भी काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है। आखिर देखने वाला विषय होगा कि उस दरंगे की गिरफ्तारी कब तक होती है। कैमरा पर्सन के साथ अनिल तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला है। आपको बता दें, मथुरा रोड स्थित गांव मलहे के पास एक बाइक एजेंसी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने लगभग 7 लाख रुपए की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी होने के बाद एजेंसी के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मथुरा का यह पूरा मामला है, जहाँ पर बाइक एजेंसी में वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोपी मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। आपको बता दें, बदमाशों ने 7 लाख की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। मेरी बाइक एजेंसी की मालकिन है, उसके नाम एजेंसी है। तो यहाँ रात को हम 8 बजे के आसपास यहीं थे, तो 8 बजे के बाद यहाँ चोरी हुई है। इसमें 7 लाख रुपए के आसपास कैश गया है, एक लैपटॉप गया है, एक DVR गया है। क्या मानते हैं जो है, क्या किसी में शक की कोई, जैसे सर बाहर के तो हो नहीं सकते, जिस हिसाब से यहाँ मेरा जो मेरा खुद का लॉकर है वो उसी सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे एम्प्लॉयों को पता है, या आसपास के जो परमानेंट थे उनको आसपास का कोई जरूर है सर इसमें। पुलिस पहुँची मौके पर? हाँ जी, पुलिस पहुँची मौके पर। यूपी के लखीमपुर जिले में किसान की ओर से अपने ही धान में आग लगाए जाने की घटना के बाद अब पीलीभीत जनपद में भी धान खरीद न होने से परेशान किसान ने अपने धान के ढेर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, किसानों ने मंडी परिसर के बाहर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर हाईवे पर जाम भी लगा दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद तमाम अधिकारी मंडी परिषद जा पहुंचे और किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहाँ पर धान खरीद न होने से किसान लगातार परेशान है और किसानों ने अपनी धान की फसल में आग लगा दी। ऐसे में आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और धान की खरीद ना होने की वजह से किसान लगातार परेशान हैं, जिसकी वजह से किसान ने अपने धान में आग लगा दी है। मामला यह था कि हमारा 26 तारीख का टोकन था, 26 तारीख का दोपहर था, हम देखते रहे, कोई इंचार्ज सवेरे कह गया भी हम अपना तुम रजिस्टर लगवाओ, रजिस्टर लगा के आधी टाली में रजिस्टर लग गया। रजिस्टर लगने के बाद में मना कर गया, बोला नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मेरा बदली हो गई है, अब नहीं तुलेगा। शाम तक हम देखते रहे, दोपहर बाद में हमने अपने इंचार्ज उनसे कहा, अपने आर एम ओ साहब से कहा। आर एम ओ साहब ने कहा जी तुम्हारा सवेरे 10 बजे हम तुलवा देंगे, अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ, इसलिए मैंने वहाँ गेट पे लगा के अपनी टाइल घड़ी करके आग लगाई। अब क्या फैसला हुआ है? अब कह रहे तोलेंगे, अभी कोई बता ही नहीं रहे कुछ। खीरी में किसानों द्वारा धान की फसल में आग लगाए जाने की घटना के बाद अब पीलीभीत जनपद में भी गुस्साए किसान ने अपनी धान की फसल में आग लगा दिया। बताया जा रहा है कि धान की तोल ना होने के चलते किसान ने ये कदम उठाया और मंडी गेट पर ढेरी लगाकर अपने धान की फसल में आग लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों ने किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं बताया जा रहा है किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पीलीभीत से न्यूज इंडिया के लिए अंत गुप्ता। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण अभियान चला रही है। पिछले दिनों 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का कीर्तिमान भी बना था। टीकाकरण अभियान में कोई रह न जाए, इसको लेकर सरकार अब अगले महीने हर घर दस्तक डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को लेकर चर्चा की। साथ ही आपातकालीन कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता भी की। स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि राज्यों और
यूनियन टेरिटरीज के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कोविड 19 टीकाकरण, कोविड 19 प्रबंध और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर सार्थक चर्चा हुई। अगले एक महीने तक हर घर दस्तक डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि हमें हर जिले का पूर्ण रूप से टीकाकरण करना है। मुझे विश्वास है कि हम सब देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संपूर्ण टीकाकरण की तरफ साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।